नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हरदोई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात, शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र की घटना। क्या घटना घटी? साफ टट्टी गई रहा है, लैट्रीन गई थी। हाँ। हाँ। अच्छा, 5 बजे गई रहा है। हाँ। तो हुईगा साहब, बहुत देर हुई है, तब ढुड़ौवा पड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ढुड़ौवा पड़ा है। अच्छा। हाँ, सब देखिया, सब जने देखिया, सब रब्बी, सब तहस नहस, सब टूट पड़ी, घसलाव चलेगा है। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसकी जानकारी थाने में दी गई थी। हाँ। ठीक है, FIR भी दर्ज हुई है। हाँ। ठीक है, मेडिकल परीक्षण के लिए लड़के को भेजा गया है। अच्छा। और ये बताइए कि और मतलब किसी प्रकार किसी पे संदेह हुआ या फिर वही आरोपी पकड़ा गया है? अच्छा, आप बताइए। पकड़ा मिला नहीं बे, अभी नहीं गया पकड़ा। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, अब साहब पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है। हाँ। थाना कासिमपुर में एक ज्योति द्वारा, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, प्रार्थना पत्र दिया है कि गांव का एक लड़का जो उसका पड़ोसी है और अपने रिश्तेदारी में आकर रहता था, उसने शौच जाते समय गेहूं के खेत में ले जा करके उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।